आगे भगवान ने पितामह भीष्म को दर्शन दिए। भीष्म पितामह ने प्रभु की बड़ी सुंदर स्तुति गाई और अंत में अपनी मन और वाणी को प्रभु के चरणों में समर्पित किया और भीष्म पितामह ने अपने देह का त्याग किया। अधरों पे मुस्कान सजी है, समा गई ज्योति में ज्योति, ऐसी भगवत सम्मुख मृत्यु किसी किसी की होती। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। अंतिम समय स्वयं भगवान दर्शन देने के लिए पधारे। भीष्म पितामह के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में समा गई। अंत में तो माँ गंगा आई। प्रभु, भगवान ने कहा, गंगा आप क्यों? मैं इसलिए आई हूं, मेरे पुत्र ने युद्ध करते करते शरीर त्यागा है, कहीं मेरे पुत्र की दुर्गति ना हो जाए। भगवान ने कहा, माँ अंतिम समय जिसके सामने स्वयं कृष्ण खड़ा है, अंतिम समय जिसके मन में स्वयं कृष्ण है, अंतिम समय जिसकी वाणी में कृष्ण है, अंतिम समय जिसकी आंखों में कृष्ण है, अंतिम समय जिसके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकल रहा है, माँ उसकी दुर्गति हो जाएगी क्या? हम तो केवल भगवान से प्रार्थना करते हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। लेकिन भीष्म पितामह के सामने मेरे ठाकुर खड़े। अंत में दिव्य ज्योति भगवान के चरणों में लीन हो गई है। भीष्म पितामह के अंतिम दर्शन के लिए लाखों संत पधारे। केवल भगवान ही नहीं आए, मां गंगा ही नहीं आई, सभी की आंखों से आंसुओं की धार बह रही है। मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, मायने यह नहीं रखता कि व्यक्ति कितने वर्ष जिया, ध्यान देना, मायने ये रखता है कि व्यक्ति कैसे जिया। आद्य गुरु शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष जिए थे। एक होता है दीर्घजीवी, एक होता है दिव्य जीवी। दीर्घजीवी कहते हैं जो 100 साल जीता है, 98 साल जीता है, 100 को भी पार कर गया, लेकिन मरा कैसे? कराह कराह के मरा, जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया, कीड़े तक पड़ गए शरीर में तब मरा। ऐसा जीवन किस काम का? थोड़े समय के लिए आया और थोड़े समय में ही पूरे संसार में अपनी कीर्ति की ध्वजा लहरा दी। और जिस समय गया, जाते समय लाखों आंखों के आंसुओं ने उसको विदा किया, वो होता है दिव्य जीवी।